मैं तुम्हें इस हालत में यहां छोड़कर नहीं जा सकता। इन सब की वजह से अगर तुम्हें या मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। चलो यहां से। अम्मी सारा कहाँ है? अपने कमरे में होगी, और कहाँ होगी? सर मैं किसी मशवरे के काबिल तो नहीं हूं, लेकिन मैं सारा को जहीन से तलाक दिलवा सकता हूँ अगर आप हुक्म करें तो। अखियाँ नू तेरी दीदी बना चाहिए।
भरम है, तू ही वजह है, ये तेरा करम है। मुझे फिर से वाले आई है जहां से मैं चली जाना चाहती हूँ। आप इस तरह किसी को बताए बगैर घर से गई क्यों? अंदाजा है आपको मैं कितना परेशान हो गया था। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं हसन साहब को क्या जवाब देता? क्यों बताती मैं तुम्हें? कुछ नहीं लगते तुम मेरे, समझे तुम? मैं यहां नहीं रह सकती, दम घुटता है यहाँ मेरा। मेरी किस्मत देखो कितनी खराब है, मुझे फिर से तुम्हारे आश्रय पर यहाँ ले आई, तो यहाँ रहकर बीमार हो जाऊंगी। ना ठीक से खा पाती हूँ, ना सो पाती हूँ, मुझे मेरा कमरा याद आता है, मुझे मेरा घर याद आता है। दो दिन गुजर गए, भाई से किया हुआ वादा क्या भूल गए तुम? कौन सा वादा? अरे दो दिन की मोहलत दी थी ना उन्होंने, और तुम्ही ने तो वादा किया था कि सारा को तलाक दिलवा कर वापस उसके घर भिजवा देंगे। देखो शबाना, मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता, ये काम अम्मा अब्बा का है, वो खुद जहीन से कहें। वैसे भी मुझे लगता है कि जहीन अब उसको तलाक नहीं देगा, अम्मा सबसे बड़ी सपोर्टर है उनकी, और वैसे भी तुम्हें तो पता है इस घर में वन एंड ओनली अम्मा है। हाँ तो वो क्यों चाहेंगी, वो तो चाहती ही यही थी कि जहीन के लिए इस घर में अमीर खानदान की दुल्हन लेकर आए, और सारा के आते ही उनके ख्वाबों को तो जैसे कोई ताबीर मिल गई हो, और मेरे ख्याल से तुम भी यही चाहते थे है ना? बैठे बिठाए तुम्हें एक अमीर भावज्जो मिल गई, तुम्हारा भी तो कुछ फायदा हो, ऐसी ही बात है ना? तुम मुझे ऐसा समझती हो? जाने भी दो, तुम सारे के सारे एक जैसे हो। अच्छा ना, अब अपना मूड ठीक कर लो, इतने दिन हो गए हैं, जहीन की वजह से कब तक तुम मुझसे नाराज रहोगी? और प्लीज मुझसे इस लहजे में बात मत किया करो, मुझे तकलीफ होती है। हाँ तो किस लहजे में मैं तुमसे बात करूं? तुम्हारे भाई की वजह से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई, और तुम कहते हो कि मैं कुछ भी ना बोलूं? मतलब एहतजाज तो दूर की बात, मैं शिकायत के दो लफ्ज भी ना करूं तुमसे? नहीं अंदर, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बड़ा दिल नहीं है मेरा कि मैं अपनी बहन की जगह उस अमीरजादी को दे दूं।
क्यों, कोई खास काम है? बहुत सारे काम पेंडिंग्स में हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स और चेक भी साइन करवाने हैं। तो एक काम करो, ये मुझे दे दो, मैं उनसे मिलूंगा, तुम्हारा काम भी हो जाएगा, मैंने हैंड ओवर कर दूंगा। शाजमा जी सुलाही तुम्हारी? फिलहाल तो नहीं हुई, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगी। शाजमा को मनाना मेरे भाई हाथ का खेल है, लेकिन उस ज़हीन पर नजर रखनी होगी, बहुत कुछ जानता है वो हमारे बारे में। तो फिर क्या करें उसका? कुछ लोग मैंने पीछे लगाए हैं उसके, फिलहाल तो जॉब तलाश कर रहा हूं। कुछ आइडिया है कहां इंटरव्यू दे रहा है? वही मिराज ग्रुप्स और भी कुछ जगह है। मिराज ग्रुप, अरे उनसे तो मेरे बहुत अच्छे टर्म्स हैं। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, वहां तो उसे जॉब मिलने से नहीं। गुड, ध्यान रखना। अभी सो कुछ अरसा जॉब की तलाश में थके खाने थे। जब सारा को उसके साथ रहकर फाके करने पड़ेंगे, तब उसकी समझ में आएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। मैं ज़हीन की जिंदगी जहां बना दूंगा, उसके लिए इतनी मुश्किलात खड़ी कर दूंगा कि वो किसी और तरफ ध्यान दे ही नहीं सकेगा। मैं तुम्हें दोबारा स्ट्रॉन्ग नहीं होने दूंगा ज़हीन, ये मेरा तुमसे वादा है। कारा ने फिर खाना वापस भेज दिया, ये कहते हैं कि उसे भूख नहीं है। चलो, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? वो ठीक से कुछ भी खा पी नहीं रही है, कल को बीमार पड़ गई ना, लेने के लेने पड़ जाएंगे। एहसान साहब को तो अपनी बेटी की फिक्र ही नहीं है, एक हफ्ता हो गया है पलट के उन्होंने ये नहीं देखा कि उनकी बेटी जिंदा है कि मर गई। अरे ऐसी भी क्या नाराजगी कि सगी औलाद से मुंह मोड़ के बैठ गए वो। उनके घरेलू मामला के हमारा क्या लेना देना, तुम अपने बेटे और बहू से मतलब रखो बस। इसी बात की तो फिक्र है मुझे कि एहसान साहब की दूसरी बीवी कहीं उनको वरगला के सारा के हिस्से की जायदाद ना हत्या ले। वो एहसान साहब की सगी बेटी है, दुनिया की कोई अदालत उसका हक नहीं छीन सकती। अपने वक्त पर सब सही हो जाएगा, और वैसे भी हमें उनके पैसे और जायदाद से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। अरे क्यों नहीं होनी चाहिए, वो हमारी बहू है, उसकी परेशानी हमारी परेशानी है। सुनिए, मैं तो आपसे कहती हूँ कि आप मुझे ना एहसान साहब के पास ले चलें, मैं उनसे ना हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगी, बल्कि अगर इन बच्चों की खुशी के लिए मुझे उनके पैरों में भी बैठना पड़े ना तो मैं गिर जाऊंगी। बस वो किसी तरह से सारा को माफ कर दें और ज़हीन को अपना दामाद कबूल कर लें। अरे मैं तो खुशी के मारे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी और ऐसा वलीमा करूंगी कि पूरी दुनिया देखेगी दुनिया। आपका ये ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रह जाएगा अम्मा। अरे चुप कर, तेरे मुंह में खाक, जब देखो तंजिया गुफ्तगू करता रहता है, तू भी अपनी बीवी की तरह होता जा रहा है। ओ आ गया मेरा लाल, बैठ जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। खाना लाऊं तेरे लिए? नहीं अम्मी, अभी नहीं। सारा ने खाना खाया? अरे कहाँ खाया उसने, सुबह से अपने कमरे में बंद उदास बैठी हुई है। अब तू आ गया है ना तो अपने हाथ से खाना खिला देना उसे। हाँ ज़हीन, कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? अच्छा हुआ, दो चार जगह और भी सीवी ड्रॉप की है, बस इंशाल्लाह जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। अरे बेटा अल्लाह ताला जल्दी कोई सबब बना देगा, तू परेशान मत। आप दुआ करें अम्मा, इसकी नौकरी अगर वक्त पे ना लगी ना तो बड़ा मसला हो जाएगा। चले शाबाश, जल्दी से ये खाना खा ले। मुझसे नहीं खाई जाती ये सब्जी, बाहर से कुछ लाऊं? नहीं। क्या बात है, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आपको तो बहुत तेज बुखार है, चलें डॉक्टर के पास चलें मेरे साथ।
मुझे नहीं कहीं जाना तुम्हारे साथ। कैसे नहीं जाना, आप इतने तेज बुखार में तप रही हैं। चले उठे, जल्दी से चले 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 डॉक्टर के पास चले। बैठे सारा। मैं इस पर नहीं बैठूंगी। प्लीज सारा, मैं इस वक्त फौरन टैक्सी नहीं ले सकता, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, बैठ जाए प्लीज। अरे सुरुस्ता देख तो, ये वही लड़की है जिसे जहीन भगा के लेके आया है। हाँ हाँ सुना है, ये उसके मालिक की बेटी है। ये तो बहुत अमीर होगी। बैठ जाए प्लीज, वरना इन औरतों की बातें कभी खत्म नहीं होंगी। अच्छा कैसे? यहाँ पे पैर रखे आराम से, यहाँ पे पैर पांव रखे, यहाँ पे पीछे कैरियर पकड़। ये मैं हाथ से जहीन में गिर जाऊंगी। फिक्र ना करें, मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है जहीन। वो बात खत्म हो चुकी है, अब सारा हमारी जिंदगियों से जा चुकी है। जा चुकी है? मुझे तो आज भी लगता है कि तुम उसके मुंतजिर हो। ये देखें, अखियां नु तेरी दीद दी बना चाहिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूं आज, सारा की वजह से मैं तुमसे तो क्या इस दुनिया को भी फेस नहीं कर सकता। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो किस्मत में लिखा था, उन्हीं को कौन टाल सकता है। खैर आप ये बताएं कि तबीयत कैसी है आपकी। बस जी रहा हूं, खुद को इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार कर रहा हूं। सर अगर हो सके तो सारा को माफ कर दें, मासूम है वो, नादानी में उससे गलती हो गई, उसे इतनी बड़ी सजा मत दें। नाफरमान औलाद को माफ नहीं किया जा सकता, सारा ने मेरे मान एतबार सब मिट्टी में मिला दिया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं समझ सकता हूं कि आप इस वक्त किस कर्ब और हसीयत से गुजर रहे हैं। बदकिस्मती से मैं आपका दामाद तो नहीं बन सका, लेकिन आपके बेटे जैसा तो हूं ना। सर आप अपनी सारी परेशानियां सारे गम मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेटे की कमी महसूस ना होने दो, मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा सर। जानता हूं मैं, और मुझे तुम पर भरोसा। थैंक यू सर। बस प्लीज अब आप ऑफिस आ जाएं, आपकी एब्सेंस में बहुत सारे काम पेंडिंग है। हाँ मुझे अंदाजा है इस चीज का, एक दो दिन में कोशिश करूंगा ऑफिस चक्कर लगाने की। असल में आज दाऊद एंड सन्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं और मंजूर साहब तो अटेंड कर रहे हैं, अगर आप भी आ जाएं तो एम्प्लॉइज का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। नहीं महाज, आज तो जाना मुश्किल हो जाएगा, शाम 5 बजे डॉक्टर फैसल बुखारी मेरे चेकअप के लिए आ रहे हैं। हाँ अगर मेरी जगह शाजमा मीटिंग अटेंड करना चाहे तो वो कर सकती है, लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती अहसन। देखो शाजमा ये बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे लगता है कि मेरी जगह तुम्हें मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। चले अगर आप कहते हैं तो मैं फिर चेंज कर रहा हूँ। हाँ
शाजमा, तुम कब तक इस तरह मुझसे नाराज रहोगी? मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हारी ये नाराजगी दूर हो जाए और हम पहले की तरह एक दूसरे के करीब आ जाए? छोड़ मेरा और भूल जाओ मुझे। नहीं भूल सकता यार, तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? हमारे रास्ते उसी दिन जुदा हो गए थे जब तुमने सारा से शादी करने के ख्वाब देखे। मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा धोखा और बेवफाई कभी माफ नहीं करूंगी। वो बात खत्म हो चुकी है, अब सारा हमारी जिंदगियों से जा चुकी है। जा चुकी है? मुझे तो आज भी लगता है कि तुम उसके मुंतजिर हो। शाजमा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरी बात का यकीन करो। शाजमा मैं पहले भी तुम्हारा था और आज भी तुम्हारा हूँ। देखो ये मुश्किल रास्ता हम दोनों ने मिलकर चुना था, अब जब मंजिल करीब है तो तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकालने का सोच रही हो। बेवफाई तो तुमने की है वहाज, मैंने तो आंखें बंद करके तुम्हारी हर बात पे इत्तबार किया। मुझे क्या पता था मैं अपनी आस्तीन में सांप पाल रही हूँ। सॉरी ना, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हर किस माफ नहीं करूंगी। तुम्हारी बहुत जरूरत है, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। यकीन करो तुम्हारे बगैर एक पल भी गुजारना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। ये सारा है ना, ये तो वही है। देखो जो मुझसे टक्कर लेता मैं उसका यही हाल करती हूँ। महलों में रहने वाली शहजादी आज देखो किस हाल में है। अभी तो इसने और भी आजमाइशों से गुजरना है।
क्या है इस मकरूह लड़के की जो मैं हर बार हर लम्हा इसी को सोचता रहता हूँ। इसके तल्ख रवैये के बावजूद मेरा दिल इसकी जानिब खींचा चला जा रहा है। लाख कोशिश के बावजूद भी इसे अपने दिल से निकाल नहीं पा रहा। तबीयत कैसी है आपकी? डॉक्टर ने क्या कहा? वही जो हमेशा से डॉक्टर कहता आया है। सारी रिपोर्ट्स क्लियर हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं, बस टेंशन से दूर रहने का कहा है सिर्फ उन्होंने। मुझे लगता है आपने सारा वाले मामले को ना बहुत सर पे सवार कर लिया है। वो वहां जहीन के साथ बहुत ज्यादा खुश है और एक आप यहाँ पे बस उसके गम में घुले जा रहे हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि वो वहां खुश है? मीटिंग से वापसी भी मैंने उसे देखा था जहीन के साथ, बहुत खुश लग रही थी वो। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब क्यों नहीं हो सकता? उसने जहीन से शादी अपनी पसंद से की थी ना, तो फिर अपनी पसंद की शादी पे वो खुश कैसे नहीं हो सकते? वो निकाह उसने जिद में किया था। मैं नहीं मान सकती, ऐसा इंसान ना जिद में खाना पीना छोड़ सकता है लेकिन किसी से शादी नहीं कर सकता, वो भी जिद में। इम्पॉसिबल। शायद आप मेरी बात को ना झूठ समझ रहे हैं। एक सेकंड रुके, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखें, मुझे बेसाल मत करो। डॉक्टर ने कहा है हर 6 घंटे बाद आपका टेम्परेचर चेक करना है। लेकिन सारा जिद मत करें, आपका फीवर चेक करना बहुत जरूरी है, आपकी मेडिसिन डिपेंड करती है इस रीडिंग पर। प्लीज
मुसलसल बन जा रहा है, अल्लाह खैर करे। अभी भी 101 टेम्परेचर है आपको, लगता है आप अपनी मेडिसिन नहीं ले रही, बहुत जिद्दी हैं आप। मैं यही सोच रही है ना आप, अब 10 बार पानी गिराएंगी मैं फिर भी आपको मेडिसिन खिलाकर ही रहूंगा। बेला का फोन, मुझे नहीं बात करनी इससे, और तुम भी मत करना। अस्सलाम वालेकुम। ज़हीन, मुझे सारा से बात करनी है, कहाँ है वो? जी जी मेरे सामने ही है, मैं बात कराता हूँ आपकी। ये बीचो। क्यों फोन किया तुमने? सारा, ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैं तुमसे बात करना ही नहीं चाहती, ऐसे वैसे का क्या सवाल? तुम अपने शोहर और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखो, मैं क्या लगती हूँ तुम्हारी? तुम बहन हो मेरी। मर गई तुम्हारी बहन। मैं आती हूँ तुम्हारे पास। कोई जरूरत नहीं है मेरे पास आने की, मैं मरूं या जी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है बेला। मेरा मोबाइल फ्री हो गया। हेलो, आप सारा की बातों का बुरा मत मनाइएगा। बहन है वो मेरी, मैं क्यों बुरा मनाऊंगी? परसों उनका मोबाइल छिन गया था, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन आप बेफिक्र रहे, मैं उनको डॉक्टर के पास ले गया था, बस वो दवा। मैं आती हूँ वहाँ, मैं उसे अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ, और उसका फोन भी, मैं आती हूँ। अरे क्या हो गया अम्मा, खानी तो मैंने कब की बना दी थी, अब क्या बनाने खड़ी हो गई आप? अरे सारा की तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए दलिया बना रही हूँ। वाह भाई वाह, जरा सी बहू बेगम बीमार क्या पड़ गई? दोनों माँ बेटे हैं कि खिदमत करते करते थक नहीं रहे हो उसकी? दूसरी तरफ ज़हीन है, पलंग पकड़े बैठा है, और यहाँ पे आप है। वैसे अम्मा, सैकड़ों दफा तो मैं भी बीमार पड़ी हूँ, आपने मेरे लिए तो कभी इतने प्यार से हांडी नहीं बनाई। अरे ना शुक्री, तो तू पैदाइशी है शबाना, दोनों बच्चों की दफा में मैंने तुझे बेड से पैर नहीं उतारने दिया था, वो चीजें भूल गई तू? हाँ तो मतलब भी तो आप ही का था ना उसमें, या कोई मेरा फायदा था? वारिस भी तो आप ही के खानदान के लिए पैदा हो रहे थे। हाँ हाँ, दोनों बच्चे जब बड़े होंगे तो बिठा कर कमा कर मुझे ही तो खिलाएंगे। अम्मी दलिया बन गया? हाँ बेटा, बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। हाँ उसे खिला भी दीजिएगा, मना करेगी लेकिन जबरदस्ती खिला देना। हाँ तू बेफिक्र हो जा, मैं अपने हाथों से खिला दूंगी उसे। और भाभी ये मिनरल वाटर सारा के लिए, उसे यही पानी दीजिएगा, नल वाले पानी से ही दरअसल उसकी तबीयत खराब हुई थी। और ये बाकी का सामान, क्या ये भी तुम्हारी सारा का ही है क्या? लाया तो मैं उसी के लिए हूँ, लेकिन अगर आप और बच्चे खा लेंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा क्या है भाई, मैं और मेरे बच्चे तो सादा रोटी और पापे खाकर भी खुश हैं,
और ये कॉफी भी उसके लिए लाया, चाय नहीं पीती ना, जब भी मांगे तो उसे बना दीजिएगा, बस कुछ ही दिनों की बात है। कुछ ही दिनों बाद से मेरा मतलब है कि जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती है फिर वो शायद अपने काम खुद ही करने लगे। लगता नहीं है मुझे। भाई देखो बात तो मैं साफ करूंगी, चाहे तुम्हें अच्छी लगे या बुरी, तुम्हारी नौकरी तो अब है नहीं, पर ले दे के रह गई अनवर की तनख्वाह, उसमें तो पहले ही 7 लोग गुजारा कर रहे हैं ना, और अब 8वीं आ गई सारा, और उसके ऊपर से इस कदर नखरे। मेरा मतलब है कि भाई अगर उसने इस घर में गुजारा करना है हमारे साथ तो सादा खाना खाने की आदत तो डालनी पड़ेगी ना, अनवर से तो नहीं होते उसके इस कदर नखरे बर्दाश्त। आप परेशान ना हो भाभी, ये सब कुछ मैं अपने पैसों से लेकर आया और आइंदा भी उसके नखरे मैं ही उठाऊंगा। आज मेरी जॉब नहीं है लेकिन कल लग जाएगी। आप अपने शौहर की कमाई संभाल कर रखें, और हाँ आपकी उलझन दूर करता जाऊं, सारा अब यहीं रहेगी मेरे साथ, इसी घर में हमेशा।